अरुणाचल प्रदेश के केमांग सेक्टर में बर्फीले तूफान की चपेट में आए भारतीय सेना के 7 जवानों के शव बरामद हो गए हैं। सोमवार को बताया गया था कि 7 जवान पेट्रोलिंग के लिए केमांग सेक्टर में निकले हैं, जिसके बाद बर्फीले तूफान की चपेट में 7 जवान आ गए। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन आज फिर से एक दुखद समाचार अरुणाचल प्रदेश से आया है। जब तक भारतीय सेना ने उन्हें खोजा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 7 जवानों के पार्थिव शरीरों को उनके घरों में भेजने के लिए भारतीय सेना की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लखनपुर के जंडौर गांव का अरुण काटल भी इसी में शामिल था, जो 2015 में सेना में भर्ती हुआ था। अरुण काटल की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। भारतीय सेना द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अरुणाचल का केमांग सेक्टर बहुत ही ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में आए बर्फीले तूफान की चपेट में 7 जवान शहीद हो गए। सेना ने ये भी बताया कि इन 7 जवानों के शवों को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जिन्हें एयरलिफ्ट कर मौके पर पहुंचाया गया, लेकिन जब तक सेना ने उन्हें खोजा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस इलाके में बर्फीला तूफान आया है, वहां कई दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही थी। ये इलाका चीन की सीमा से सटा हुआ है, इसीलिए भारतीय सेना के जवान जहां पेट्रोलिंग करते रहते हैं, जिसके चलते ये हादसा हो गया। वही अरुण काटल के पैतृक गांव जंडौर में इस समय शोक की लहर है, पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ है। जिनकी नजरें अब अरुण काटल के पार्थिव शरीर की ओर देख रही हैं। अरुण काटल के माता पिता ने हिंदुस्तान समाचार को बताया था कि सोमवार ही उन्हें पता चला था कि वे एक बर्फीले तूफान की चपेट में आकर लापता हो गए हैं, लेकिन आज मंगलवार ये दुखद समाचार अरुणाचल प्रदेश के केमांग सेक्टर से आया है। परिजनों ने तो कहा है, पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ है। जिनकी नजरें अब अरुण काटल के पार्थिव शरीर की ओर देख रही हैं। अरुण काटल के माता पिता ने हिंदुस्तान समाचार को बताया था कि सोमवार ही उन्हें पता चला था कि वे एक बर्फीले तूफान की चपेट में आकर लापता हो गए हैं, लेकिन आज मंगलवार ये दुखद समाचार अरुणाचल प्रदेश के केमांग सेक्टर से आया है। परिजनों ने तो मां भगवती के आगे मंगल कामना की थी कि उनका बेटा सही सलामत घर पहुंचे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुआ करने पे मिल जाए, ठीक ठाक आई जाए घर, साढ़ा अं दुआ करने पे और कुछ नहीं, ठीक आना चाहिए, ठीक मिलना चाहिए, बच्चे ठीक ठाक आई जाने, सत्ते सत्ते ठीक बेचारे लगी जाए, अं तो यही दुआ करने माता वैष्णो देवी पूरा गांव, रिश्तेदार और परिजन अब सिर्फ अरुण काटल के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका पार्थिव शरीर उनके घर आए। विलाप की इस घड़ी में हिंदुस्तान समाचार उनके साथ है और ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि अरुण काटला की दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करें और भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से सचिन खजूरिया के साथ मोहन शर्मा।